हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रिजेश, और अब हम करने जा रहे हैं पार्ट टू, जो कि जैसे कि आपको पता है हम करने जा रहे हैं पार्ट टू। पार्ट टू मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये पार्ट टू रहेगा। सो चैप्टर नंबर 10 इक्वेशंस कर रहे हैं हम लोग, और ऑब्वियसली ये मैथ्स पार्ट टू है। मैथ्स पार्ट टू मतलब मैथ्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। सो ये पार्ट टू है, और इसका ये वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। इस वीडियो का नाम है सॉल्विंग एंड फॉर्मिंग एन इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यूज निकालते हैं। यहाँ पे फिलहाल फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू सॉल्व एंड फॉर्म एन इक्वेशन। पहला सेक्शन इसमें है सॉल्विंग एन इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उसके पहले आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि व्हाट इज अ वेरिएबल, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। व्हाट इज अ वेरिएबल, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया था। वेरिएबल मतलब वो जिसका वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, जैसे दो चीज मैंने डिस्कस की थी, एक वेरिएबल डिस्कस किया था और एक कांस्टेंट डिस्कस किया था, राइट। वेरिएबल और कांस्टेंट। सो वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल x+2 इज इक्वल टू 5। सो और दूसरा एक इक्वेशन सी, ये जो है ये इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है, हमने लास्ट टाइम देखा था, बिकॉज इसमें इक्वल टू का साइन है। जहां पे इक्वल टू का साइन ना रहे वो एक्सप्रेशन हो जाता है। इसका जो लेफ्ट हैंड, और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा RHS। LHS और RHS इंडिविजुअली आर नोन एज एक्सप्रेशन, इंडिविजुअली दे आर नोन एज एक्सप्रेशन, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल जो कि चेंज होता हो। जैसे ये इक्वेशन में हमने ऑलरेडी जो x+2 = 5 लिया हुआ है, ऐसे और भी इक्वेशन होते हैं, जैसे x+5 = 7, ऐसे भी इक्वेशन होते हैं। ये क्या है, ये ऐसे इक्वेशंस हैं जहां पे हमने वेरिएबल तो फिक्स लिया हुआ है लेकिन वैल्यू उसका फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे होगा 3, क्योंकि देखो 3+2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 के इक्वल आता है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको एक्स की जगह पे 3 डालना पड़ेगा, तभी 2 से वो ज्वाइंट होके 5 हो रहा है। एक्स की जगह पे दूसरे इक्वेशन में हमने डाला 2, सो 2 जब 5 के साथ ऐड हुआ तब जाके 7 आया, वही आपके RHS में भी आ गया। आया आपको समझ में? ये यही कह रहा हूं कि दिस इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल इन दिस, ठीक है। इसी चीज को हम ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन को। पहला इक्वेशन है आपका x-7 = 14। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करना है, मैं दो तरीका बताऊंगा आपको, मतलब दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। सबसे पहली चीज जो x-7 = 14, सो इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको पहली चीज बताता हूँ। पहले पहली चीज इसमें ऐसे कि आपको ये देखना है कि भाई x की जगह पे मैं क्या डालूंगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, सो दैट यू गेट 14 इन द RHS। इफ आई पुट वैल्यू ऑफ x एज 21, अगर मैं वैल्यू ऑफ x एज 21 डालूंगा, सो मुझे x इक्वल टू, अगर मैं 21 डालूंगा, सो 21-7 इज इक्वल टू हाउ मच, 21-7 = 14, एंड दिस इज इक्वल टू योर RHS। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जब आप x की जगह पे 21 डालोगे तो जाके आपको 14 RHS में आएगा, ठीक है। ये तो मतलब पहला सम जो है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे करेंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बता दूंगा कि हमें स्टेप क्या मेंटेन करना है। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगला, हाँ, इसमें दूसरा मेथड ये है, मेथड 2। आप ऐसे मेथड 2 मतलब जनरली हम कैसे करते हैं, आगे आप अगर जाओगे तो आपको इस तरह से सिखाया जाएगा कि आप x-7 है ना, equal to 14, नाउ आप लेफ्ट हैंड साइड में वो डालोगे, मतलब आप जैसे कांस्टेंट है, जैसे कोई कांस्टेंट है, कौन है, -7। सो -7 का ऑपोजिट नंबर लोगे, क्या होता है -7 का ऑपोजिट नंबर, +7। सो आपको
ऐसा नंबर चुनना है जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ x ही रहने दे, बाकी कांस्टेंट चला जाए। जैसे मैं अगर -7 +7 करूंगा, सो लेफ्ट हैंड साइड में -7 +1 +7 कट होके 0 हो जाएगा, और फिर आपको वही RHS में भी ऐड करना है। सी बैलेंसिंग इसी को बोलते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट में अगर आप कोई चीज ऐड करो तो इक्वल टू के राइट साइड में भी आपको वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे क्या होगा, -7 और +7 कैंसिल हो जाएगा और एक्स इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नाउ अगला, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 18। नाउ एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 18, जनरली हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि x की जगह पे मैं क्या डालू कि 18 आ जाए राइट में। x की जगह पे अगर मैं डालूंगा या तो फिर ऐसा हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग सेकेंड, ये जो सेकेंड सम है इसमें हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे बाद में, फिर मैं ना यही मेथड की बात करता रहूंगा, वो ज्यादा बेटर होगा। नाउ इसमें x का वैल्यू आपको क्या डालना है कि 18 आएगा, तो यहाँ पे भाई x का वैल्यू आपको डालना है 7, क्योंकि अगर आप 7 को 11 से ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। सो इसीलिए आपको x का वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगा। सो बात ऐसी है इसमें, दूसरा मेथड अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट x प्लस 11 इज इक्वल टू 18। सो जैसे कि मैंने बोला था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रखना है, सो आप क्या करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप 11 से सब्ट्रैक्ट करोगे। प्लस 11 जो कि कांस्टेंट है, मैंने बोला है कि कांस्टेंट का ऑपोजिट नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। जैसे आपको क्या करना है, x प्लस 11 है ना, उसका ऑपोजिट नंबर -11 है, वहां पे रखना है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी वही -11 आपको वहां पे रखना है। सो देयरफॉर ये 11 और -11 कट हो गए, दिस इज 8, x इज इक्वल टू 18 -11 व्हिच इज इक्वल टू 18 -11 इज हाउ मच, इट इज 7। सो x इज इक्वल टू अल्टीमेटली 7 इज योर आंसर। अगर आपको समझ में ना, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में डायरेक्टली वो दूसरा मेथड ही करूंगा, मतलब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ नंबर है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ध्यान में रखो, जब भी किसी भी वेरिएबल के पीछे कोई नंबर अगर रहेगा उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। समय जब भी ऐसे कुछ आएगा तो मैं बार बार आपको ध्यान दिलाता रहूंगा कि कोएफिशिएंट क्या होता है, लेकिन ध्यान रखे यहाँ पे भी मैं बता दूं कि जो भी वेरिएबल के पीछे जो नंबर होता है उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, 2 किसका, x का, समझो बात को। नाउ व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एडिंग, अब देखो स्टेप देखो, एडिंग बोथ साइड, वही है। देखो पहले दो सब में कैसा है, एक आइडिया देने की जरूरत रहती है, यहाँ पे कैसे और थोड़ा सा इसमें बोलते हैं ना कि मेथड किस तरह से क्रिस्प करना है वो बता रहा हूँ। नाउ एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड्स से आपका प्रोसीजर होता है। जैसे कि आप क्या करो, वही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वही है। सो हो जाएगा +3 विच इज इक्वल टू 9 +3। So ultimately this -3 and +3 is gone. You are left with 2x which is equal to 9 +3 which is equal to 12. So अभी क्या करना है, आपको x को अकेला करना है, so आपको divide करना पड़ेगा, dividing both sides by 2. So what are you left with, it is 2x upon 2 which is equal to 12 upon 2, मतलब 2 ones are 2 and 2 6 are 12. So therefore x is equal to 6. So value of x is equal to 6. So इस तरह से equation solve किया जाता है। आ रहे हैं आप लोग को समझ में, आ रहे हैं इस तरह से solve करना है equation को। ना दूसरा वाला, चौथा वाला हम लोग try करते हैं, let us solve fourth वाला। fourth वाले में again it is 2x minus 3 which is equal to 13. अच्छा 2x minus 3 is equal to 13, आपको इसको solve कैसे करना है, so आपको यहाँ पे adding 3 on both sides. So अगर आप 3 on both sides add करोगे, this is 2x minus 3 plus 3 which is equal to 13 plus 3. So therefore 2x is equal to 16. अब यहाँ पे dividing both sides by 2. X का जो coefficient है वो आपको 1 लाने के लिए dividing both sides by 2 करना पड़ेगा. Dividing both sides by 2.
dividing both sides by 2. So therefore you are left with 2x upon 2, which is equal to 16 upon 2. So therefore your 2 cut ho gaya, so 2 8's are, so you are left with x is equal to 8, and this is the solution value of your variable x. Is tarah se karna hai aapko. Agla sum try karte hain, fifth wala. x minus 30 is equal to 6. अब बताओ मुझे, अगर आपको लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ x रखना है, बाकी किसी भी चीज को रखना नहीं है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉन्स्टेंट कटेगा कैसे. So यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग बोथ साइड्स बाय पॉजिटिव 30, और इससे आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में x बचेगा. एडिंग बोथ साइड्स बाय 30, बोथ साइड्स बाय 30, सो देयरफॉर ये हो जाएगा x माइनस 30 प्लस 30, which is equal to 6 plus 30. So ये cut हो गया, ये 0 हो गया basically. तो x equal to 36. So what is the value of x? 36. So ये तरीका है, इस तरह से करना है आपको. Right, solve इस तरह से किया जाता है. Now the sixth one we will be trying. 11 plus 3y is equal to, 11 plus 3y is equal to 17. So 11 plus 3y is equal to 17. यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे 3y भी एक वेरिएबल है, जैसे x है वैसे y होता है, y भी वेरिएबल है, उसके साथ कोएफिशिएंट है 3. 3 is called the coefficient of y. So सबसे पहले आपको coefficient नहीं, सबसे पहले आपको उसके बाद जो भी constant plus या minus में उससे get rid होना है. So you will subtract both sides by 11. You will subtract both sides by 11. So therefore you have 11 plus 3y minus 11 is equal to 17 minus 11. मतलब आप 11 दोनों जगह से माइनस करोगे, सो दैट ये वाला 11 कट हो गया. सो देयरफॉर 3y आपका हो जाएगा 6. अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, क्यों? क्योंकि उसी से आपका कोएफिशिएंट ऑफ y जो हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y आपका 1 हो जाएगा, करेक्ट. सो यहां पे अब अपने को क्या करना है, विल हैव टू डिवाइड बाय 3. तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय थ्री. सो इससे क्या हो जाएगा, 3y upon 3 is equal to 6 upon 3. सो ये कट हो जाएगा, सो देयरफॉर y is equal to 2. करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको. सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंट से गेट रिड होना है, और उसके बाद आपको कोएफिशिएंट से गेट रिड होना है. आपको मेरी बात बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी चीजों में जो बोल रहा हूँ इक्वेशन के इस चैप्टर में, वो बहुत 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 जरूरी. आपको मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. y is equal to 2. सो ये तो सारा का सारा एग्जाम्पल है, ये अभी प्रैक्टिस सेट नहीं चालू हो रहा है, प्रैक्टिस सेट को टाइम है अभी, ठीक है. वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस सेट, बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम गाइस. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. अब जो सेक्शन है वो फॉर्मिंग एन इक्वेशन है. फॉर्मिंग एन इक्वेशन मतलब क्या, फॉर्मिंग एन इक्वेशन मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन कैसे बनाना है अभी मैं बताता हूँ. आपको समझना, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करता हूँ. नाउ सी, फर्स्ट वाले की बात करते हैं. 5 times a number equals 40. 5 times a number equals 40. तोड़ो इस चीज को. 5 times मतलब 5 into अ नंबर, मतलब कोई एक नंबर है. 5 times a number equals मतलब इक्वल टू 40. 5 times a number equal to 40. एम आई मेकिंग सम सेंस? राइट. सो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स. आ रहा है आप लोगों को समझ में? 5 times a number equals 40. 5 into x equals मतलब equal to 4040. यह equation solve नहीं करना. अगर आपको solve करना है कैसे करोगे? You'll have to divide both side by 5. ठीक है, आप खुद से करो इसको. उसके बाद इसका खाली forming an equation की बात कर रहा हूं मैं. A number means not given, you can take x. A number increase by 8. A number
have taken x, देखो वहां पे a number increased by 8 equal to equals 15. A number increased मतलब plus by 8 मतलब plus 8 equals 15 equal to 15. वही लिखा मैंने. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Let the number be x. Let the number be x. आ रहा है आप लोगों को समझ में? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? Please do understand. Now let us see the third जो क्वेश्चन है वो देखते हैं. 25 exceeds a number by 7. 25 exceeds a number by 7. So, अभी देखो, 25 exceeds a number. 25 exceeds a number. आपको बहुत ध्यान से देखना है. 25 exceeds a number. So, 25 exceeds a 7. 25 exceeds a number by 7. मतलब क्या? 25 एक नंबर से सात बड़ा है. 25 एक नंबर से सात बड़ा है मतलब 25 exceeds a number by 7. अगर 25 में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो 7 आता है. सो इसका मतलब है 25 exceeding that number by 7. Understand this? Okay. 25 exceeds that number by 7. मतलब 25 minus x is equal to 7. So यहाँ पे अपने को लिखना पड़ता है let the number be x. आया समझ में आपको? 25 exceeds मतलब बढ़ जाता है. कितना? सात से. किससे? एक नंबर से. इसलिए मैंने 25 में से वो नंबर ही माइनस किया तो 7 आएगा. समझो कैसे फॉर्म कर रहा हूँ. नहीं पूरी तरह समझ में आ रहा तो आगे करना ही, पूरा प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, करना ही है. A number exceeds 5 by 3. अब बताओ मुझे कैसे करोगे? नंबर एक्सीड्स 5. अ नंबर एक्सीड्स कितना? 5. कितने से? 3 से. अ नंबर एक्सीड्स 5 कितना? बाय 3. अ नंबर में से 5 मैंने माइनस किया सो कितना है एक्स्ट्रा? 3. अ नंबर एक्सीड्स 5 by 3. लेट द नंबर बी एक्स. अ नंबर एक्सीड्स 5 by 3. नंबर एक्सीड्स 5 by 3. समझ में आ रहा है? सो नंबर आपका 3 बड़ा है 5 से. उसमें से 5 माइनस करोगे तो 3 आएगा. वो समझ रहे हैं आप लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? नाउ ये है हमारा लास्ट सम, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट सम. 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर. 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस ए नंबर. Thrice a number, 3x. Thrice a number, let the number be x. 5 subtracted from thrice a number is 16. So let the number be x. Let the number be x. 5 subtracted from thrice a number is 16. समझ में आया आप लोग को? easy है concept, easy है, बहुत ज्यादा difficult नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये था पूरा का पूरा सिलसिला सॉल्विंग एंड फॉर्मिंग एन इक्वेशन. सो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा. अगला जो वीडियो होगा वो अपना होगा जहां पे फॉर्मिंग एंड सॉल्विंग एन इक्वेशन, वहां पे भी हम सॉल्व करेंगे, फॉर्म करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. वैसा मतलब पहले फॉर्म करेंगे फिर सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो उससे आपको आइडिया मिला कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे. आगे भी मिलेगा, लेकिन आप क्या करोगे? अब जो करोगे नेक्स्ट वीडियो में वो है फॉर्मिंग, फॉर्म करके फिर सॉल्व करोगे. ठीक है, सो उसमें ये भी मैं रिकैप करवाऊंगा आपको, मतलब ये जो सम्स हैं इसके भी रिकैप करवा दूंगा. सो इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से रिफाइन कर पाओ. ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक ख्याल रखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, और हाँ वीडियो लाइक करना मत भूलना. नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा के रखना, फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.